हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्री एजुकेशन। आज हम हमारा 7th स्टैंडर्ड का 2nd यूनिट का 2.6 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है चेजिंग द सी मॉन्स्टर। चेजिंग का मतलब क्या था बच्चों? चेजिंग का मतलब होता है पीछा करना। किसका पीछा करना? सी मॉन्स्टर का, ऐसा मॉन्स्टर जो सी में रहता है। ओके, अब देखो कैसे स्टार्ट होता है। Our frigate wanted to go back, but the unearthly animal came at us with a speed double our own. अब जो our frigate जो इस जिसने ये lesson लिखा है वो क्या बोल रहे हैं? उनका नाम है Professor Aronnax। वो बोल रहे हैं कि our frigate का मतलब क्या होता है? देखो, a small speedy ship used in war। आप meanings लिख सकते हो। तो ऐसी ship जो उन लोग की ship का नाम ship था, उसको जो war में use करते, वो ship में लोग बैठे थे और वो go back, वो जा रही थी वापस। तभी एक unearthly animal, unearthly मतलब strange, बहुत ही अजीब दिखने वाला एक animal है समंदर में, वो उल्लू की तरफ बढ़ता है डबल स्पीड से। किसकी तरफ बढ़ता है? जिस शिप में जो राइटर है वो बैठे हैं। वी गेस्ट मोर स्टंट देन अफ्रेड, वी स्टूड म्यूट एंड मोशनलेस। जब वो एनिमल जो है, सी मॉन्स्टर जो है, उनकी तरफ बढ़ता है, तो उन लोग सब गेस्ट हो जाते हैं। क्या होता है? शॉर्ट ब्रेक, उन लोग की सांस फूलने लगती है और स्टंट, बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, सरप्राइज हो जाते हैं और डर जाते हैं और सबके सब चुप हो जाते हैं और बिना हिले डुले अपनी जगह पे मोशनलेस हो जाते हैं। ओके, कौन? जो लोग शिप में बैठे हुए हैं। ओके, द एनिमल कॉट अप विथ अस, प्लेड विथ अस। अब वो एनिमल इन लोग के साथ आता है, लोग शिप के पास, और वो उन लोग की शिप की तरह उस शिप के साथ खेलने लगता है। इट मेड अ फुल सर्कल अराउंड द फ्रिगेट एंड रैप अस इन शीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डेट वेयर लाइक ल्यूमिनस डस्ट। और वो जो एनिमल है वो उन लोग के शिप के इर्द गिर्द घूमने लगता है, और जैसे वो घूमता है तो समंदर में रोशनी फैल जाती है। ल्यूमिनस मतलब ब्राइट, ब्राइट डस्ट, समंदर में बहुत ज़्यादा रोशनी फैल जाती है। ये रात का टाइम रहता है। ओके, तो रात में क्या हो जाता है? अंधेरा रहता है, तो जब ये एनिमल उन लोग के आजू बाजू घूमता है तब वहाँ पर क्या हो जाता है? उजाला हो जाता है। At any instant it could have dashed against our ship। और उन लोग को ऐसा लग रहा है कोई भी वक्त वो जो एनिमल है, सी मॉन्स्टर है, वो उन लोग के शिप से टकरा सकता है। Meanwhile I was surprised to see that our warship was playing not fighting। और जो राइटर है प्रोफेसर Aronnax, वो बोल रहे हैं मैं जब वो एनिमल हमारे साथ खेल रहा था तो मैंने देखा कि हमारे जो शिप है जिसमें वो लोग बैठे थे वो क्या कर रही थी? वो भाग रही थी, लड़ नहीं रही थी वो एनिमल से, जबकि भाग रही थी डर के। I commented on this to Commander Fregute, his face ordinarily so emotionless showed great astonishment। और जब ये उन्हें देखे तो उन्होंने जो शिप के कमांडर थे उनसे बात किए फ्रेग्यूट से कि हमारी शिप क्यों भाग रही, लड़ क्यों नहीं रही उस एनिमल से। तो वो जो कमांडर का मुंह जो है वो बहुत ही सहमा सा और उतर गया। क्या बोलते? देखो, प्रोफेसर Aronnax answered me, I don't know what kind of fearsome creature I am up against, I don't want my frigate running foolish risk in all this darkness। अब जब जो राइटर है वो क्वेश्चन करते कि हम लड़ क्यों नहीं रहे, उनका नाम क्या रहता? प्रोफेसर Aronnax। तो उनको वो जो कमांडर Fregute है वो आंसर देते हैं कि जो क्रिएचर है, अभी रात का टाइम है तो वो पता नहीं चल रहा, उजाला नहीं है, तो कौन सा ऐसा जानवर है, मॉन्स्टर है जो हमारे शिप के बाजू में है, तो मैं नहीं चाहता कि हमें कोई भी रिस्क हो, इसीलिए मैं सुबह तक इंतज़ार करेंगे और फिर उस पर अटैक करेंगे। Beside, how should we attack this unknown creature? How should we defend ourselves against it? Let's wait for daylight and then we will play a different role. तो वो वही बोलते हैं कि रात के टाइम में तो दिख नहीं रहा है, तो कैसे हम उससे फाइट करेंगे? जैसे सुबह होगी वैसे हम देखते हैं कौन सा मॉन्स्टर है। The whole crew stayed on their feet all night long. No one even thought of sleeping. अब जब ये मॉन्स्टर लोग के बाजू में ही था, सी मॉन्स्टर लोग के शिप के बाजू में था, तो सारा जो होल क्रू था, जो भी शिप पे थे लोग, वो सारे लोग क्या थे? डर के मारे किसी को भी नींद नहीं, सब लोग जागे थे। Unable to compete with the monster speed of a frigate Abraham Lincoln slowed down. अब वो मॉन्स्टर बहुत ही स्पीड से चल रहा था, तो इसीलिए अब्राहम लिंकन किसका नाम है? शिप का नाम है, जिस शिप पे सब लोग बैठे थे वो है, वो स्लो हो गया था, शिप स्लो हो गई थी। फॉर इट्स पार्ट द एनिमल मिमिक द फ्रिगेट सिंपली रोड विद द वेव बट डिड नॉट लीव द फील्ड ऑफ बैटल। जब वो स्लो हो गया तो मॉन्स्टर स्पीड में चल रहा था, जब जैसे शिप स्लो हो गई तो मॉन्स्टर भी स्लो हो गया, और रोड विद द वेव, रोड विद द वेव मतलब मूव अलॉन्ग विद द वेव, और वो लहर की तरह हमारे साथ चलने लगा, पर बैटल फील्ड से वो गया नहीं बाहर। However, near midnight it disappeared, or to use a more appropriate expression, it went out like a huge glowworm. अब क्या होता है, जब आधी रात हो जाती है तो वो जो मॉन्स्टर था, सी मॉन्स्टर, वो अचानक से गायब हो जाता है, और वो जब जाता है तो एक glowworm मतलब एक रोशनी लेके आया था, तो वैसे ही वो गायब हो जाता है। ओके,
हैड ही फ्लीड फ्रॉम अस. अब वो सब लोग एक दूसरे को पूछते कि वो हमसे डर के भाग गया. वी डिडेंट नो एंड वे फिल्ड विथ फियर एंड होप एट द सेम टाइम. हमने सबको कुछ पता नहीं था वो कहाँ गया, बट हमें डर लग रहा था कि वापस ना जाए. बट एट 12:53 अ डिफिनिंग हिस कुड बी हर्ड रिसेम्बलिंग द साउंड मेड बाय वाटर स्पाउट एक्सप्लेड विथ ट्रेमेंडियस इंटेंसिटी. जब आधी रात को 12:53 पे एक जोर से आवाज़ आई सबको, और वो क्या ऐसी आवाज़ थी कि बहुत स्ट्रेंथ, ऐसी आवाज़ थी कि कोई बड़ा मॉन्स्टर चिल्ला रहा, ऐसी आवाज़ थी. ओके, By then, Commander Fregeut, Ned Land and I were on the afterdeck peering eagerly into the darkness. और यहाँ पे वो राइटर Commander Fregeut, Ned Land और वो जो राइटर है वो afterdeck में थे. afterdeck मतलब ship के पीछे हिस्से में थे. ship जो थी लोग उसके पीछे हिस्से में बैठे थे और हम darkness अंधेरे में देखने की कोशिश कर रहे थे. Tell me, Ned Land, isn't it noise cetacean make when they sprout water from their blowhole? अभी ये जो है राइटर वो अपने शिप के एक साथी को पूछते हैं, नेडलैंड को, कि आवाज़ सिटेशन की नहीं लग रही है? वेल की तरह एक बड़ा जानवर है तो उसकी तरह नहीं लग रही है जब वो अपना स्प्राउट करता है, जब वो बहुत सारा पानी अपने जो होल है, वेल के से पानी अपने होल से बाहर फेंकती है, तो फेंकते तो वैसी आवाज़ नहीं है ये कहीं वो मॉन्स्टर की? द वेरी नॉइस सर, बट दिस वंस वे लाउडर सो देर कैन बी नो मिस्टेक, देर इज डेफिनेटली अ वेल लुर्किंग इन आवर वाटर्स. और सब वो बोलता है, नेडलैंड बोलता है, हाँ वैसी आवाज़ है पर थोड़ी उससे ज़्यादा तेज़ आवाज़ है, शायद ही वेल होगी जो लुर्किंग हाइडिंग पानी के अंदर छुपी हुई है, वेल की आवाज़ है ये. नियर 2 o'clock इन द मॉर्निंग द कोर ऑफ लाइट री अपियर्ड 5 miles अवे फ्रॉम अब्राहम लिंकन. अब रात के 2 बज जाते, सब डरे सहमे शिप पे रहते, और उतने में क्या हो जाता, रात के 2 बजे वापस से वो लाइट दिखने लगती है 5 मील दूर. अब्राहम लिंकन शिप से 5 मील दूर वापस से रोशनी दिखने लगती है सबको. We stayed on the alert until daylight, getting ready for action. अब सबके सब रात भर जागे रहते हैं, सुबह होने तक वेट करते हैं. Whaling gear was set up along the railing. Whaling gear मतलब ऐसा हथियार जो वेल को मारने के लिए यूज़ होता है, वो लोग सब सेटअप कर देते ताकि वो लोग अपना बचाव कर सकें. Our chief officer loaded the blunderbusses which can launch harpoons as far as mile and long duck guns with exploding bullet that can wound and kill even the most powerful animal. अब लोग क्या क्या चीज़ इंतज़ाम करते वो मॉन्स्टर से लड़ने के लिए, वेलिंग गियर को सेटअप करते जिससे वेल को मारते. चीफ ऑफिसर क्या लोड करते हैं, बल्डर बस शॉर्ट गन छोटी बंदूकें लेके रहते सब लोग. विच कैन बी लॉन्च हारपून, हारपून क्या होते हैं, वेपन फॉर हंटिंग, हंटिंग के लिए बड़े बड़े वेपन्स रहते वो लेके शिप पे रहते हैं. लॉन्ग डक गन, डक गन होता है गन विथ एक्सप्लॉइडिंग बुलेट डेट कैन किल मोस्ट लार्ज एनिमल. सारी चीज़ों के साथ वो लोग रेडी रहते हैं कि जैसे सुबह होगी वैसे वो एनिमल को हम लोग मार देंगे, मॉन्स्टर को. Ned Land was content to sharpen his harpoon, a dreadful weapon in his hand. Harpoon जो है weapon, वो कौन लेके बैठा रहता है, Ned Land जो है वो लेके बैठा रहता है. At 6 o'clock day began to break and with the dawn's early light the animal electric glow disappeared. अब सुबह के 6 बज जाते हैं और दिन शुरू होता है, सूरज जो है वो निकलना शुरू होता है. जैसे जैसे दिन का उजाला होता है तो वो जानवर का जो ग्लो था, जो जानवर से रोशनी निकलती है, वो गायब होने लगती है. At 7 o'clock a very dense morning mist spread around us. Our best spy glasses were unable to pierce it. The outcome, disappointment and anger. अब 7 बजे, सुबह 7 बजे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लोग आजू बाजू धुंध फैल जाती है, जो है शबनम हो जाती है, तो लोग स्पाई ग्लास जो टेलीस्कोप से उन लोगों को कुछ नहीं दिख पाता है दूर दूर का, क्योंकि आजू बाजू बहुत धुआं रहता है. ओके, At 8 o'clock the mist rolled away and the horizon grew wider and clear. और सुबह 8 बजे क्या हो जाता है, सारी धुंध चली जाती है और सारी चीज़ें क्लियर दिखने लगती है शिप से. Suddenly Ned Land's voice could be heard. There's the thing in question, assert to port. The harpooner shouted. Every eye looked towards the point indicated. अब जैसे ही 8 बज जाते तो Ned Land की आवाज़ आती है और वो क्वेश्चन करता है, असर टू पोस्ट, बैक साइड पर शिप के आओ. हारपूर जो है, हारपूर जो होता है वो वेपन जो है मारने के लिए, वो शाउट करता है और जैसे वो लोग बोलते हैं जिधर देखें, सब लोग शिप के वहीं पे देखने लग जाते कि वो मॉन्स्टर आ गया. There a mile and a half from the frigate, a long blackish body emerged, a meter above the wave, quivering violently. Its tail was creating a considerable current. और a mile, एक 1.5 mile away ship के एक black body दिखने लगती है उन लोग को, और वो quivering करती है, क्या करती है, शेक करती है पानी के waves के साथ, considerable current, tail, और वो जब अपने पूछ से बहुत ज़्यादा current वो करती है पानी में.
ओके द क्रू वेयर वेटिंग इम्पेशेंटली फॉर ऑर्डर फ्रॉम द रीडर. अब जो क्रू है शिप पे जो लोग थे सारे लोग अपने बंदूक लेके बैठे रहते हैं ये ऑर्डर के कि जैसे जो कमांडर है वो ऑर्डर करेगा और हम वो मॉन्स्टर को मार देंगे. द लेटर आफ्टर केयरफुली ऑब्जर्विंग द एनिमल ऑर्डर द इंजीनियर टू सेल फुल स्टीम टूवर्ड्स द एनिमल. बहुत देर तक वो एनिमल को ऑब्जर्व करने के बाद जो कमांडर है वो क्या करते हैं सेल फुल स्टीम फुल स्पीड में लोग अपनी शिप को एनिमल की तरफ भगाने की कोशिश करते हैं. थ्री चीयर्स ग्रीटेड दिस ऑर्डर द आवर ऑफ बैटल हैज साउंडेड. और सब लोग जो है वो खुश हो जाते हैं और क्या हो जाता है लड़ने का वक्त आ जाता है. अ फ्यू मोमेंट लेटर द अब्राहम लिंकन हेडेड स्ट्रेट फॉर द एनिमल अनकंसर्न द लेटर लेट अस कम नियरर इट गॉट अप अ लिटिल स्पीड एंड कैप्ट इट डिस्टेंस. और थोड़े देर बाद अब्राहम लिंकन जो शिप है लोग की वो एनिमल की तरफ बढ़ने लगती है और उसके पास जाके थोड़े डिस्टेंस पे रुक जाती है. दिस चेज ड्रैग ऑन फॉर अबाउट 3/4 ऑफ एन आवर विदाउट द फ्रिगेट गेटिंग एनी क्लोजर टू सी एनिमल. और ये 3-3.5 घंटा चलता है और फिर भी वो लोग वो एनिमल के क्लोज पास में नहीं जा पाते. एट दिस रेट इट वॉज ऑब्वियस दैट वी नेवर कैच अप विद इट. क्योंकि वो लोग अभी समझ जाते कि हम वो एनिमल को पकड़ नहीं सकते क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है. द अब्राहम लिंकन गैदर्ड स्पीड बट सो डिड द एनिमल. जैसे जैसे लोग की शिप लोग स्पीड बढ़ाते वैसे वैसे वो एनिमल डबल स्पीड से आगे बढ़ जाता है. दिस वेंट ऑन फॉर नेक्स्ट आवर. फिर एक और घंटा गुजर जाता है फिर भी वो एनिमल को लोग पकड़ नहीं पाते. द अब्राहम लिंकन वॉज नाउ स्पीडिंग सो मच दैट इट्स मास ट्रेम्बल डाउन टू दैट ब्लॉक. अब वो जो शिप है लोग इतनी फास्ट चलने लगी कि जिसका मास्ट है जो पोल है शिप का वो भी गिर गया पानी में. What a chase! No, I can't describe the excitement that shook my very being. अब what a chase! इतनी ज़्यादा स्पीड कम ज़्यादा करने में सबको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा था डर भी लग रहा था वो लोग वो जो है वो शब्द में बयान नहीं कर सकते. Nedlin stay at its post, harpoon in hand. Several times the animal let us approach. Then just as the harpooner was about to strike the cessation would steal off swiftly. अब Nedlin जो है उसके पास हारपून रहता है वो इंस्ट्रूमेंट वो रहता है इक्विपमेंट जिससे वो मारने वाला रहता है एनिमल को. जैसे जैसे वो उसके पास जाता है और जब मारने की कोशिश करता है तो वह एनिमल स्टील ऑफ मूव अवे हो जाता है भाग जाता है वहाँ से बहुत ही फास्ट स्पीड में. कमांडर फ्रेग्यूट देन डिसाइडेड टू यूज मोर डायरेक्ट मेथड. अब जो कमांडर है फ्रेग्यूट वो सोचता है कुछ अलग तरीके से एनिमल को पकड़ा जाए. क्या करता है देखो बाह ही सेट सो दैट एनिमल इज फास्टर देन द अब्राहम लिंकन. ऑल राइट मेट मैन द गन इन द बो. अब वो क्या बोलते हैं कमांडर जो है वो बोलते हैं ये जानवर तो हमारे शिप अब्राहम लिंकन से भी फास्ट है. तो मेट मेट मतलब असिस्टेंट को बोलता है कि गन जो है वो ये बो में टांग दो. Our forecastle cannon was immediately loaded and leveled. The cannoner fired a shot, but this shell passed some feet above the station. We stay half a mile off. अब जो forecastle है forward part है ship का जो आगे का हिस्सा है वहाँ पे cannon. A powerful gun mounted on wheel. हाँ एक बहुत ही बड़ा तोप रहती है तोप को लोग लोड करते हैं उससे बॉम्ब से और उसको मारते सिस्टेशन को बट वो थोड़े दूर जाके वो बच जाता है सिस्टेशन मतलब सिस्टेशन कौन है सी मॉन्स्टर बच जाता है. ओवर टू समबडी विद बेटर एम द कमांडर शाउटेड एंड $500 टू द मैन हु कैन पियर्स द इन्फ्रेसल बीस्ट. अब वो कमांडर थक हार के क्या बोलते हैं ऐसा कोई आओ जिसका निशाना बहुत अच्छा है जो वो मॉन्स्टर को मार सके जिस जो भी उस मॉन्स्टर को इन्फेरनल मतलब टेरिबल मॉन्स्टर बीस्ट को मारेगा उसको हम लोग $500 इनाम देंगे. कौन बोलते हैं कमांडर बोलते हैं सारे शिप के लोगों को. Calm of eye, cool of feature, an old grey bearded gunner. I can see him to this day approach the cannon, but it in position and took aim for a good while. There was a mighty explosion mingled with cheer from the crew. अब ये सुन के एक आदमी आता है जो ओल्ड है और ग्रे उसके बाल रहते हैं वो आके निशाना लगाता है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है सारे लोग चिल्लाने लग जाते हैं. The shell reached its target. It hit the animal but bounced off its rounded surface and vanished into sea 2 miles out. क्या हो जाता है जब वो तोप का निशाना लग जाता है तो वो जानवर को लग जाता है बट वो जानवर को लग के वापस से वो पानी में आता है तो वो जो गोला है तोप का गोला और वो क्या हो जाता है समंदर में गायब हो जाता है. Oh dart, said the old gunner in his anger. That monster must be covered with 6-inch armor plate. वो डांट डांट मतलब एंगर गुस्से में जब वो मॉन्स्टर को लग के वापस आती है गोली तो वो गुस्से में वो जो गनर है वो बोलता है कि ज़रूर उस मॉन्स्टर ने अपने आप को बचाने के लिए कुछ शील्ड पहनी होगी इसलिए उसको वो गोली से असर नहीं हुआ.
The hunt was on again. Hour after hour went by without the animal showing the least sign of weariness. However, it must be said the we to struggle tirelessly. अब वो चलते रहा, लड़ाई चलते रहे, फिर भी उस जानवर को कुछ नहीं होता. हम लोग सब लोग जो है वो बहुत ज़्यादा थक गए उस लड़ाई में. At 10:15 the evening, the electric light reappeared, 3 miles away from the frigate, just as clear and intense as the night before. और रात के 10:15 पे वापस से वो रोशनी आ गई, वो जो मॉन्स्टर की हमारे शिप के उधर, वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर थी और बहुत ही ज़्यादा चमकदार रोशनी थी पिछली रात से भी ज़्यादा. The monster seemed motionless. We at was it asleep, perhaps wearing from its work day, just riding with the wave. This was our chance, and the commander frigate decided to take full advantage of it. He gave his order. अब क्या होता है, वो देख के ऐसा लग रहा था जो monster है वो क्या हो गया, सो गया है शायद, वो थक के सो गया. तो जब सब लोग ये देखते कि monster सो गया है, तो commander जो है वो क्या करते हैं, ये चीज़ का पूरा advantage उठाते हैं, पूरा फ़ायदा उठाते हैं और अपने orders देते कि अब वो monster पर हम attack करें. द फ्रिगेट अप्रोच विदाउट मेकिंग अ साउंड स्टॉप टू केबल लेंथ फ्रॉम द एनिमल. अब वो लोग की शिप आहिस्ता आहिस्ता वो मॉन्स्टर के पास जाती है और उसके पास जाके फिर क्या हो जाता है, रोक देती है. Profound silence regained over the deck. We were not 100 feet from the blazing core of light, whose glow grew stronger and dazzled eye. अब profound मतलब deep जो है, बहुत ही ज़्यादा silence हो जाता है पूरी ship पे, क्योंकि अगर जो आवाज़ करनी तो monster उठ जाएगा. और लोग की ship जो है उससे 100 feet के दूरी पे रहती है और वहाँ पे बहुत चमकदार क्या होती है, रोशनी निकलती रहती है उसके अंदर से. Just then, leaning over the forecastle railing, I saw Ned Land below me, bent shining his dreadful harpoon. Barely 20 feet separated him from the motionless animal. वो राइटर जो Ned Land है अपना हारपून लेके बस वो फायर करने के ऊपर रहता है, गन से गोली वो मॉन्स्टर को मारने के लिए. All at once his arm shot forward and the harpoon was launched. I heard the weapon making a ring sound as if it hit some hard substance. और जैसे वो मॉन्स्टर पे इशारा करता है, हारपून जाके लगता है वो मॉन्स्टर को, तो बहुत जोर की आवाज़ आती है, मानो कि कोई लोखंड की चीज़ पे जाके पटक गया वो. The electric light suddenly went out and the two enormous water spout crashed into the deck of the frigate, racing like torrent from one end of the ship to the other, toppling crewmen, breaking spare mats and yardarms from their lashing. अब क्या हो जाता है, जो लाइट है वो जैसे वो हारपून लगता है वो मॉन्स्टर को, वैसे वो लाइट जो है गायब हो जाती है और वहाँ पे क्या हो जाता है, टोरेंट पानी की स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम जो है, पानी का भवंडर वो होता है, भवंडर चालू हो जाता है और टॉपलिंग क्रूमैन, टॉपलिंग मतलब ओवरटर्निंग. अब जो है वो जैसे ये सब होता है तो लोग डर के मारे अपने शिप को ओवरटर्न करते. यार्ड डम का मतलब होता है आउटर पार्ट ऑफ शिप यार्ड, और लैशिंग का मतलब होता है अ कॉर्ड यूज टू फासन समथिंग सिक्योरली. ओके, तो ये सारी चीज़ें होने के बाद लोग सब बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं. ओके, अ हीडियस कोलिशन अकर एंड थ्रोन ओवर द रेल विथ नो टाइम टू कैच होल्ड ऑफ इट, आई वॉज हर्ल्ड इन टू द सी. अब क्या हो जाता है, दोनों चीज़ों में, शिप में और उसमें क्या हो जाता है, कोलिशन होता है. कोलिशन हीडियस मतलब टेरिबल, बहुत बुरा टक्कर हो जाती है शिप में और सी मॉन्स्टर में. और क्या हो जाता है कि आई वॉज हर्ल्ड इन टू द सी, और सबके सब क्या हो जाते हैं, पानी में जो वो हो जाते हैं, गिर जाते हैं. यहाँ पे खत्म हो जाता है. कहाँ से लिया हुआ, एडाप्टेड फ्रॉम 20,000 लीगस अंडर द सी बाय द जूलियस वर्नर. ओके, अब उस कौन, अब सब लोग गेस कर पाए वो सी मॉन्स्टर कौन था. सी मॉन्स्टर पता है कौन था, सी मॉन्स्टर था जो लोग, ये लोग जिसको सी मॉन्स्टर समझ रहे थे वो क्या थी पता है, वो थी एक सबमरीन. सबमरीन को लोग क्या समझ रहे थे, सी मॉन्स्टर समझ रहे थे. ओके, सबमरीन आप सबको पता है ना, जो अंडर वाटर पानी में जो रहती है, जो ट्रैवल करने के लिए यूज़ होती है, फाइटिंग के लिए, वो सबमरीन होती है. तो वो उसको लोग सी मॉन्स्टर समझ रहे थे. ओके, आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ में आया होगा. अगर जो आप सबको ये चैप्टर समझ में आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको कौन सी वीडियो देखनी कॉमेंट सेक्शन में बताएं. अंटिल देन, गुड बाय.